खाना खजाना देखने वालों को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। आपके घर में तंदूर है क्या? नहीं है आपके घर में तंदूर, मेरे घर में भी नहीं है, लेकिन घर में तंदूरी खाना यानी तंदूर का टेस्ट कैसे लेके आए? बहुत आसान नहीं है, लेकिन कोशिश करते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो कबाब वगैरह हैं वो कैसे घर पर बना सकते हैं तंदूरी कुकिंग एट होम। तो उसके लिए क्या क्या डिश बनानी है, क्या तैयारी करनी है, तो ये मेरे पास प्याज इसके इस तरह से ये निकाल लेने हमने। अच्छा, ये प्याज हो गया, थोड़ा पेपर ले लेते हैं और ये पेपर, इसी तरह से टमाटर, फर्म टमाटर ले लें और उसके ये हमने पीसेस और इसमें से ये जो बीज हैं ये निकाल दें और ये जितने ये बच रहे हैं इसको फेंकना नहीं है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं सब्जी के अंदर। ये मेरे पास है दही और दही में से पानी निकाला हुआ है तो गाढ़ी हो गई है ये दही। इसमें हमें चाहिए नमक, ये आ गया नमक, लाल मिर्च, गरम मसाला, थोड़ी कसूरी मेथी और इसके साथ साथ इसमें अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट और नींबू का रस। ये चीज़ें डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये जो मैरिनेट है ये तैयार। अच्छा, मशरूम बनाएंगे हम, तो मशरूम जो है बटन मशरूम ले लें आप, ये निकाल दिए, ये इसके स्टेम, ये मशरूम मैरिनेट के अंदर और ये जितनी सब्जियां हैं ये भी इसके अंदर और इसमें थोड़ा तेल भी और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। चलिए, और इस तरह से इसे आप मैरिनेट होने के लिए रख दें करीब एक घंटे तक और इसको हम पकाएंगे इस बारबेक्यू ग्रिल के ऊपर। ये देखिए, ये घर के अंदर आराम से मज़ा ले सकते हैं बारबेक्यू का। तो ये मेरे पास जितनी चीज़ें हैं, प्याज, ये लकड़ी के स्क्यूअर्स ले लिए और उसको पानी के अंदर थोड़ी देर भिगो के रखें फिर इस्तेमाल करें, और प्याज के बाद मशरूम, मशरूम के साथ साथ कैप्सिकम, कैप्सिकम के साथ टमाटर, फिर प्याज, मशरूम और फिर ये कैप्सिकम, टमाटर और प्याज। और अब इसे रख देते हैं हम इस पे पकने के लिए और इसी तरह से बाकी जितने हैं आप ये बना लें। लगाया मशरूम, मशरूम के साथ साथ कैप्सिकम, टमाटो, अनियन और मशरूम। बस इसमें ध्यान ये रखना है कि इसमें जो मैरिनेट है वो अच्छे से लगा हुआ हो, इसलिए ज़रूरी है जो दही है वो एकदम गाढ़ी होनी चाहिए। पकने के लिए रख दिया और इसी तरह से बाकी भी हम ले लेते हैं और इसे आपने तीखा करना हो तो तीखा कर सकते हैं, मिर्चें इसमें ज़्यादा डालें, ये मैरिनेट, और इसमें और भी सब्जियां आप डाल सकते हैं, जो ऐसी सब्जियां जिसे ज़्यादा पकने में समय ना लगे वो इसके अंदर आप डालें। ये लीजिए, और इसको पकने के लिए कुछ देर तक रख दें। इसमें जितनी चीज़ें हैं, चाहे प्याज है, टमाटर है, कैप्सिकम है, मशरूम है, ये सारी चीज़ें कच्ची खाई जा सकती हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसमें ऐसा नहीं कि पकने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप आलू डाल रहे हैं तो आलू को उबाल के फिर मैरिनेट के अंदर डालें, बढ़िया बनेंगे। बस इसे पकने दें, सब तरफ से हल्का सा रंग आने दें, थोड़ा सा तेल ऊपर लगाएं, तैयार मशरूम शास्त्री। अब ये जो है इसे हमने पकने के लिए रखा हुआ है, इसे पलट के देख लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया रंग इसका आ गया, इसे पलट लेते हैं, वाह। और इस पे थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं और इस तरह से इसे पकने दें थोड़ी देर तक, जब ये और अच्छा लाल हो जाए फिर इसे सर्व करें गर्मा गर्म अपनी पसंद की चटनी के साथ। हरी चटनी हो, लाल हो, पीली हो, काली हो, कोई भी चटनी हो, अपनी पसंद की चटनी होनी चाहिए, ऐसी चटनी जो स्वाद लाए। लेकिन इसका जो स्वाद है ऐसा है चटनी की ज़रूरत ही नहीं है। नोट करें इसके इन्ग्रीडियंट्स, उसके बाद इसका एग्री क्या। इसके लिए हमें चाहिए 12 मशरूम, 1 प्याज चौकोर टुकड़ों में कटी हुई,
दो टमाटर चौकोर टुकड़ों में कटे हुए, दो हरी शिमला मिर्च चौकोर टुकड़ों में कटी हुई, आधा कप गाढ़ी दही, आधा बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, एक छोटा चम्मच कसूरी मेथी, दो छोटे चम्मच अदरक की पेस्ट, दो छोटे चम्मच लहसुन की पेस्ट, नमक स्वाद अनुसार, दो बड़े चम्मच नींबू का रस और चार छोटे चम्मच तेल। इसे बनाने के लिए दही में लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, कसूरी मेथी, अदरक की पेस्ट, लहसुन की पेस्ट, नींबू का रस और नमक डालकर मिला लें। इसमें मशरूम, प्याज, हरी शिमला मिर्च, टमाटर और दो छोटे चम्मच तेल डालकर मिलाएं और करीब आधे घंटे के लिए रख दें। अब स्क्यूअर्स या लकड़ी की तीलियों पर प्याज, मशरूम, हरी शिमला मिर्च और टमाटर पिरोकर इसे बारबेक्यू पर सब तरफ से थोड़ा तेल लगाकर भुनें और गर्मा गर्म सर्व करें।